नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जीटी ट्रेवल्स पे स्वागत है। और दोस्तों, आज आपको हम लेकर चलेंगे महाराष्ट्र ट्रिप पे। ऐसे तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप घूमना चाहें तो कम से कम आपको 2 हफ्ते तो लग जाएंगे, 15-20 दिन। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि महाराष्ट्र जो है, यहाँ पर अगर आपके पास 4-5-6 दिन भी हैं तो एटलीस्ट आप जो है, जो ये सारा वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, इतनी जगह है, ये सब तो एटलीस्ट आप कवर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र की तरफ आएंगे पहले इस तरफ, तो दोस्तों पहले ये जो वीडियो में इस समय दिख रहा है आपको, यहाँ पे अलीबाग फोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। अलीबाग मुंबई से लगभग 120-130 किलोमीटर के आसपास में है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे, मतलब बीच है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, पूरा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है यहाँ पर। और यहाँ से स्टीमर चलती है जहाँ, जो कि पास में आपको कोलाबा फोर्ट है, वहाँ तक ले जाती है। तो बहुत ही शानदार है, जगह है, नहाने के लिए उतना साफ पानी नहीं है, बट ये मुंबई और पुणे से नज़दीक के जगहों में है, तो आप इस तरफ घूमने आ सकते हैं आराम से। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों, जहाँ तक मंदिरों की बात करें, तो देखिए मैंने कैसे कवर किया था मैं बताता हूँ। मैं क्या किया था, मैं यहाँ से बैंगलोर से गाड़ी से गया और पुणे पहुँचा। पुणे के बाद पहले मैंने पूरा अजंता, एलोरा और वो सब जाके कवर किया, उस ऊपर की तरफ गया मैं, जब मध्य प्रदेश की साइड, मतलब और ऊपर जाएंगे तो इंदौर आ जाएगा, अगर आप औरंगाबाद की साइड जाके ऊपर की तरफ जाते हैं। उसके बाद मैं पूरा लौटते वक्त जो है, फिर अलीबाग ये सब बीच होते हुए, और लौटते वक्त अलीबाग से पहले पहले मैंने नासिक पूरा किया। नासिक में त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, 2 ज्योतिर्लिंग है वहाँ, वो दोनों पूरे किए मैंने। और फिर वहाँ से नीचे होते हुए, पूरा घूमते हुए नीचे की तरफ आया, और पास में आप देख सकते हैं महाबलेश्वर और भीमा शंकर, इतना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। यहाँ सह्याद्री रेंज के माउंटेन है ये महाराष्ट्र में, और पास में पूरा भीमा शंकर है। उसके बाद नज़दीक के जगहों में जो है, आपका महाबलेश्वर है और बहुत कुछ है। मतलब खाना इतना शानदार है कि मतलब आप बिल्कुल उंगलियाँ चाटते रहेंगे, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा तीखा मिलता है खाना, लेकिन गजब ही मजा है। मतलब खाने का जो टेस्ट है ना, पूरा वड़ा पाव और सब कुछ, तरह तरह की चीज़ें इधर मिलती हैं, और बहुत कुछ मिलता है, मतलब साबुदाना वड़ा, वड़ा पाव और काफ़ी कुछ इधर आपको मिल सकता है खाने के लिए। तो दोस्तों जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये पूरा सह्याद्री रेंज का है, जो पूरा ये एरिया है। पास में एक टेम्पल था यहाँ पर, उसका नाम था मल्लिका स्वामी टेम्पल, मल्लिका अर्जुन टेम्पल एक्चुअली, और वहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित है उस जगह पे। लेकिन दोस्तों इतना खूबसूरत है ना ये पूरा एरिया, कि अगर आप आएंगे तो स्पेशली मानसून सीजन में आइए आप इधर, मानसून सीजन में तो आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर पूरा सब कुछ रिकैप करता हूँ, आप इस तरफ आइए पुणे की तरफ, उसको बेस लोकेशन बनाइए और ये सारा कुछ आप कवर कर सकते हैं लगभग 10-12 दिनों के अंदर। तो दोस्तों आते रहिए हमारे चैनल जी ट्रेवल्स पे, हमारा मकसद है कि हम आपको तरह तरह की अच्छी चीज़ें दिखाएं और आपको अवगत कराएं तरह तरह की चीज़ों से, घूमने की अच्छी जगहों से, आपको हम ऐसी ऐसी जगह बताएं जहाँ पे आपको जाके मजा आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।